हेलो फ्रेंड्स, कंपटीशन रूफ चैनल में आपका स्वागत है। और आज एनवीएस पीजीटी हिंदी का जो पेपर हुआ है उसमें जो जीके का सेक्शन है उसको आज मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ, और हिंदी का सेक्शन अभी थोड़ी देर बाद सुनीता मैम जो है वो डिस्कस करेंगी। तो एनबीएस में इस बार जो क्वेश्चन पूछे गए उनका जो जीएस का लेवल है जीके का वो ठीक है, अच्छा लेवल पूछा है, एक मॉडरेट कहेंगे उसे, ना इजी है ना बहुत ज़्यादा टिपिकल है। तो देख लेते हैं, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। आज 13 जून को जो एग्ज़ाम हुआ है एनबीएस का उसी से रिलेटेड है। तो देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। जैसे एक तो यूएस ओपन पूछा गया है, यूएस ओपन में मेन सिंगल यानी पुरुष एकल में 2018 का जो खिताब था वो किसने जीता है, नोवाक जोकोविच ने जीता है। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि संगीतकार मंजू मेहता जिन्हें तानसेन अवार्ड दिया गया था मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, वो किससे संबंधित हैं, तो वो सितार वादक हैं, सितार बजाती हूँ, उससे संबंधित हैं। एक पॉलिटी का क्वेश्चन पूछा गया था कि संघ की कार्यकारी शक्तियां निहित हैं किसमें, संघ की कार्यकारी शक्ति जो है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। एक क्वेश्चन और पॉलिटी से पूछा गया है वो है कि आर्टिकल 118 के बारे में पूछा गया है जिसमें लोकसभा अध्यक्ष द्वारा संयुक्त बैठक यानी ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट की अध्यक्षता की जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 118। 118 में बताया गया है कि जो ज्वाइंट सेशन होगा पार्लियामेंट का, संसद की संयुक्त बैठक होगी, उसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। मुरुगप्पा गोल्ड कप संबंधित है, हॉकी से संबंधित है ये मुरुगप्पा गोल्ड कप। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित अनुच्छेद पूछा गया है, तो ये आर्टिकल 66 में दिया गया है। नेक्स्ट है ग्रीन महानदी मिशन किस स्टेट से संबंधित है, तो महानदी बेसिकली उड़ीसा में है, तो ये प्रोजेक्ट जो है, ये मिशन जो है किसके द्वारा चलाया गया है, उड़ीसा सरकार के द्वारा इस मिशन को चलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जायकवाड़ी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है, तो दोस्तों ये जो परियोजना है ये महाराष्ट्र में है और गोदावरी नदी पर है, ठीक है। सिल्क सिटी, इसमें पूछा गया सिल्क सिटी किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन में कानपुर था, बेसिकली कानपुर को मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है। वैसे हम देखेंगे तो सिल्क सिटी अलग अलग स्टेट में बहुत सारे शहरों को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 68 मेंबर कौन बना है, तो इसका 68 मेंबर जो है म्यांमार बना है। तो करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन था ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हिस्ट्री से रिलेटेड है, वाकाटक वंश का संस्थापक कौन था, वाकाटक वंश का संस्थापक प्रवर सेन को माना जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है, ट्विरियल हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक परियोजना किस स्टेट में है, तो ये इलेक्ट्रिक परियोजना जो है हाइड्रो पावर की वो मिजोरम में है। कोलकाता शहर किसके लिए फेमस है, तो कोलकाता शहर को बेसिकली सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है, बहुत सारी चीज़ों के लिए कोलकाता शहर जो है फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नील जयरामन, इनका निधन हो गया था, इनसे क्वेश्चन पूछा है किससे संबंधित थे, तो ये कृषिविद थे, चावल की खेती के लिए इन्होंने बहुत सारा काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाद्यंत्र पेपा किस स्टेट से संबंधित है, तो ये पेपा जो वाद्य यंत्र है वो लकड़ी का बना हुआ होता है और ये जो है असम जो संगीत है उससे संबंधित है, असम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हिस्ट्री का ही है, सांप्रदायिक अवार्ड देने की सिफारिश यानी सांप्रदायिक अवार्ड से संबंधित क्वेश्चन है, तो ये जो है सांप्रदायिक अवार्ड जो है इसको ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनल्ड के समय उन्होंने ही अनाउंस किया था इसको, और उस समय भारत के जो वायसराय थे वो लॉर्ड विलिंगटन थे। सर्वाधिक विधानसभा सीटें पूछी गई, तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, अगर इस ये पूछा गया अगर सबसे ज़्यादा कहाँ है तो वो तो उत्तर प्रदेश में, लेकिन इसमें उत्तर प्रदेश ऑप्शन था नहीं, बच्चों ने ऐसे ही बताया मुझे कि उत्तर प्रदेश ऑप्शन नहीं है, तो आंध्र प्रदेश इसका करेक्ट आंसर होगा क्योंकि सबसे ज़्यादा सीटें आप देख सकते हैं कहाँ हैं, आंध्र प्रदेश में 175 हैं।
छत्तीसगढ़ में 90 है, हरियाणा में 90 और अरुणाचल में 60 है। एक क्वेश्चन आया हिस्ट्री से, फतवा ए आलमगिरी किसके शासनकाल में लिखी गई है, तो औरंगजेब के शासनकाल में लिखी गई है। फ्रेंड्स आपको बता देता हूँ कि हम जो है इस चैनल पे और भी जितने भी एग्जाम पॉसिबल होते हैं हम उनकी आंसर की आपको प्रोवाइड करवाते हैं। यूपी मंडी परिषद का एग्जाम हुआ था उसकी भी आंसर की मैंने आपको प्रोवाइड करवाई थी, और जो टीचर से रिलेटेड एग्जाम से उनकी भी आंसर की हम प्रोवाइड करवाते हैं। जितना पॉसिबल होता है उतना हम आपको वो आंसर की प्रोवाइड करवा देते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि रेगिस्तानी पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं, तो रेगिस्तानी जो पौधे होते हैं वो बेसिकली तने के भाग से जो है प्रकाश संश्लेषण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिटमस को साबुन के घोल में डालने पर कैसा रंग होगा, तो नीला ब्लू हो जाता है। नेक्स्ट है, भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र सेंटर किस शहर में स्थापित किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है मुंबई। मुंबई पहली शहर है, फर्स्ट सिटी है जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर इस्टेब्लिश किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्टेट में हाई कोर्ट ने 10 वर्षीय पुराने वाहनों और डीजल से चलने वाले वाहनों पर रोक लगाई, इस तरह का क्वेश्चन आया है। तो बेसिकली क्या है, ये दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पर बैन लगाया था, एनजीटी ने भी बैन लगाया था, सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली इस पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है कि जो पुराने वाहन हैं और जो डीजल वाहन हैं 15 साल और 10 साल से पुराने उन पर जो है चलाने पर रोक लगा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधगिरी अभियान किस स्टेट से संबंधित है, हरियाणा से संबंधित है, या हरियाणा में चलाया गया है। कोशिका में केंद्रक एक जेली जैसे पदार्थ से घिरा होता है, तो केंद्रक झिल्ली होती है जिससे ये न्यूक्लियस यानी केंद्रक घिरा रहता है। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हैं जो मैंने बताए हैं आपको। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और शेयर कर दें ताकि इसका बेनिफिट और भी बच्चों को मिल पाए, और जब इसकी ऑफिशियल आएगी तो हम उसको ऑफिशियल भी आपको ज़रूर बताएंगे। ठीक है।